नंबर वन, अक्सर आप पराठे तेल या घी में सेकते होंगे। अगर आपको पराठे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी बनाने हैं तो पराठों को बटर में सेकें, पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। नंबर दो, पकोड़े बनाने के बाद उसमें चाट मसाला छिड़क कर खाएं, पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगेंगे। नंबर तीन, यदि आप चाहते हैं कि भिंडी ज़्यादा समय तक फ्रेश रहे तो उस पर थोड़ा सरसों का तेल लगा कर रखें। नंबर चार, जब भी आप रायता बनाएं तो उसमें हींग जीरा भूनकर डालने की बजाय हींग जीरे का तड़का लगाएं तो रायता बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। नंबर पाँच, पूरियां खस्ता बनाना चाहते हैं तो आटा लगाते समय उसमें थोड़ी सी सूजी या चावल का आटा मिला दें, पूरियां बहुत खस्ता और स्वादिष्ट बनेंगी। नंबर छः, जब भी प्याज को फ्राई करते हैं तो उसमें थोड़ी सी चीनी डाल देने से प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। नंबर सात, लाल मिर्च पाउडर में हींग का एक टुकड़ा डाल देने से लाल मिर्च जल्दी ख़राब नहीं होती। नंबर आठ, शक्कर के डिब्बे में चींटी ना लगे, इसके लिए डिब्बे में 5-7 लौंग डालकर रखें, चींटियां नहीं आएंगी। नंबर नौ, चावलों को अधिक टेस्टी और खुशबूदार बनाना चाहते हैं तो उसमें दालचीनी का एक टुकड़ा डालकर पकाएं, चावल बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बनेंगे। नंबर 10, मक्के के आटे को पानी से नहीं बल्कि चावल के मांड से गूंथें तो रोटी बेलते समय टूटेगी नहीं। नंबर 11, बादाम को एक कप गर्म पानी में 30 मिनट तक भिगोकर रखें, छिलका आसानी से उतर आएगा। नंबर 12, यदि आपके हाथ से कच्चा अंडा गिर जाता है तो उस हिस्से में नमक डालें, वो अंडे की सफ़ेदी को सोख लेगा। नंबर 13, जब भी हम बाज़ार से टमाटर लेकर आते हैं तो 2-3 दिन के बाद वो टमाटर बहुत ही नरम और मुलायम हो जाते हैं, जिससे उनसे सलाद काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप ठंडे पानी में एक चम्मच नमक डालकर टमाटर को उसमें डाल दें, थोड़ी देर में टमाटर सख्त हो जाएंगे और आप सलाद आसानी से काट पाएंगे। नंबर 14, किचन का काम करने में चाकू का इस्तेमाल होता है। बिना चाकू के किचन में काम करने में बहुत मुश्किल होती है। ऐसे में अगर चाकू की धार कम हो तो सब्जियां काटना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसकी धार तेज करने के लिए एक अखबार लें और उस पर चाकू रखें और उसे धीरे धीरे थोड़ी देर तक घिसें, फिर चाकू को धोकर इस्तेमाल करें। नंबर 15, अक्सर सब्जियां काटने में बहुत समय लगता है, इससे बचने के लिए आप पूरे हफ्ते की सब्जी काट कर फ्रिज में रख दें और जब भी सब्जी बनाना हो तो निकाल कर बना लें, इससे आपका समय बचेगा। नंबर 16, तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए एक कपड़े में थोड़ा सा कैचअप लें और बर्तनों में रगड़ें, इससे बर्तन नए जैसे हो जाएंगे। नंबर 17, पानी वाले नारियल को फोड़ने के लिए उसमें छेद करके सबसे पहले उसका पानी निकालें और फिर उसे गैस के ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दें, गैस को हल्की आंच पर जलाएं, नारियल के ऊपर वाला कड़क हिस्सा अपने आप बाहर निकल आएगा। नंबर 18, यदि आप सूजी का हलवा बना रहे हैं तो उसमें एक चम्मच बेसन भी मिला दें, हलवे का स्वाद दुगना हो जाएगा। नंबर 19, अक्सर भिंडी की सब्जी बनाते समय भिंडी आपस में चिपकने लगती है तो उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें, इससे सब्जी आपस में चिपकेगी नहीं। नंबर 20, यदि आम का पन्ना बनाने जा रहे हैं तो उस पर 3-4 चम्मच अदरक का रस मिला दें, इससे आम का पन्ना बहुत स्वादिष्ट और सेहतमंद भी होगा। 21, अक्सर बासी चावल बचने पर हम उसे दोबारा से तेल में फ्राई करके खा लेते हैं, लेकिन अगर हम उसे गर्म पानी में गर्म करें फिर उसे छलनी की मदद से निकाल लें तो वह चावल एकदम ताज़ा चावल जैसा हो जाएगा। नंबर 22,
अक्सर सूजी को डिब्बे में बंद करके रखा जाए तो कीड़े पड़ जाते हैं, इसीलिए आप सूजी को कढ़ाई में बिना घी या तेल के भूनकर रखें तो कीड़े कभी भी नहीं पड़ेंगे और इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। नंबर 23, प्याज को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में रखने से ये बहुत जल्दी पिलपिला हो जाता है और इसकी गंध पूरे फ्रिज में फैल जाती है। कोशिश करें कि प्याज को फ्रिज में ना रखें। नंबर 24, यदि आप पहले से ही रोटियां बना कर रख देते हैं तो कुछ देर बाद वो रोटियां सूख जाती हैं और सख्त हो जाती हैं। ऐसे में आप रोटी को माइक्रोवेव में कुछ देर के लिए रख दें तो वह नरम और मुलायम हो जाएंगी। नंबर 25, यदि खाने को दोबारा से गर्म करना है तो खाने के बर्तन को उबलते हुए पानी के बर्तन में रख दें, जिससे आपका खाना एकदम गर्म हो जाएगा। नंबर 26, यदि शिमला मिर्च की सब्जी बना रहे हैं तो शिमला मिर्च के अंदर के बीजों को निकाल दें, आपकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।